नमस्कार, मैं भोला यादव। आप लोगों को दो चार दिनों से ट्वेल्थ की वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ अपना निजी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के कारण दो एक दिन और ये प्रॉब्लम मेरी रह सकती है। कारण यह है कि जिस रूम में मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बगल में एक दुकान का काम हो रहा है, लकड़ी का। हमेशा वहाँ पे साउंड होता हो रहा है, इस कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और दो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद से मैं वीडियो डालूँगा। सबसे बड़ी बात होती है बच्चे, प्रेरणा की बात होती है, ठीक ना। प्रेरणा की बात होती है कि प्रेरणा आपको कितना कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, आप उसे कितना उस चीज़ से लगाव रखते हैं। जैसे केमिस्ट्री के लिए आप कहते हैं कि समझ में नहीं आते या ये चीज़ समझ में नहीं आता, कारण यह है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा ध्यान नहीं देते हैं। आप उसको मनन करें, चिंतन करें 4 से 5 घंटे, ज़रूर वीडियो और वह चीज़, वह सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगेगी। जब आदमी की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र की चीज़ें उसे याद होती हैं। तो आप रुचि बनाइए और उसको 4 से 5 घंटे किताब के तरफ, जो वीडियो देखते हैं उससे, घर पे किताब है उसको पढ़िए, जो चीज़ नहीं आती है उसे प्रश्न पुटअप करें। यह एक पढ़ने वाले बच्चे का एक गुण होता है, इससे पता चलता है कि बच्चा जो है पढ़ रहा है, ठीक है। आप कुछ नहीं पूछेंगे तो यही होगा कि आप पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ना कंपलसरी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बैठ करके किया जाए और वो हो जाए, मेहनत करना पड़ता है किसी भी कार्य के लिए। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर हिता ही फल चाखा। कर्म की प्रधानता को उन्होंने दिया, कर्म ने कार्य करना होता है। अभी नहीं, कर्म हमारा लिखा हुआ नहीं, हमारे मस्तिष्क पर कर्म लिख दिया गया है कि आपको राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, राजनीति से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हर क्षेत्र का कर्म अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हम किसानी का काम करें और ख्वाब ये देखें कि हम यूपी टॉप कर जाएं, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने कर्म किया खेती के तरफ। तो जब खेती का काम करेंगे, कर्म खेती का करेंगे, तो अन्न का उत्पादन कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में अन्न का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिल सकता है। ज्ञान के लिए हमें किताबों का अध्ययन कंपलसरी है और अच्छे अच्छे दार्शनिकों का, ठीक ना, दार्शनिक माने विद्वानों का, गांधी, अम्बेडकर, जयप्रकाश, ऐसे महापुरुषों की सोच, उनकी सोच क्या थी, थिंक क्या थे। किसी की लाइफ को जानना है तो आप 1 घंटे में उसकी लाइफ को उसकी सोच से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की सोच क्या है, क्या कर सकता है, ठीक है। तो यह चीज़ हमें जो है मिलती है और उसे ज्ञान मिलता है, ठीक ना। अब अगर फालतू की चीज़ों में हम अपने को इन्वॉल्व करते हैं तो वही फालतू का ज्ञान मिलेगा हमें, और हमारे दिमाग में वही शैतानीपना हमेशा भरा रहेगा, शैतान प्रवृत्ति। जैसे हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम हैं, तो हम यादव हैं, तो हम क्षत्रिय हैं, ये हमें कोई ज्ञान नहीं देता, नफ़रत फैलाती है और नफ़रत से सिर्फ विनाश होता है, कभी कोई खुशहाल और विकास नहीं करता नफ़रत से, ठीक है। तो हमें कहने का मतलब है कि आप पढ़िए किताबों में, ज्ञान को समझिए, शब्दों को समझिए, अपने टीचरों से पूछिए, जैसे हो उसको जानने का प्रयास कीजिए। जानेंगे सब कुछ मिलेगा, नहीं जानेंगे तो यही होगा, अधूरा ज्ञान में पड़े रहेंगे हमेशा। थैंक यू, नमस्कार।